तो देखिए, हमने आपको लखनऊ का समीकरण समझा दिया, पिछले चुनाव के नतीजे बता दिए, लेकिन इस बार नवाबों के शहर में लहर किसकी है, जनता के दिल में किसकी जगह दिखाई देती है या वो बताती है, ये जानने के लिए तो ग्राउंड पर चलना पड़ेगा ना। इसीलिए हम आपको लिए चलते हैं शैलेश अरोड़ा के पास, लोगों के बीच में मौजूद है। और शैलेश, जहां पर मौजूद है वहां पर बताइए कि कैंडिडेट्स को लेकर के लोगों के बीच में क्या बातें चल रही हैं, क्योंकि पार्टी के बारे में विचारधारा जो उनकी थी वो 5 साल में बनी होगी, अब नजर आते हैं प्रत्याशी, क्या कह रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से इस समय लखनऊ का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे सियासी तापमान की बात करिए या फिर वैसे भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बात करें जिस जगह हम मौजूद हैं, यहाँ पर शर्मा टी स्टॉल बहुत फेमस है और यहाँ से बामुश्किल 300-350 मीटर की दूरी पर है विधानसभा, जहाँ पहुँचना हर किसी का सपना है। सामने जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स, यहीं पर है विधायक निवास, यानी जो जीतेगा उसको मिलेगी जगह और जो हारेगा, अगर मौजूदा विधायक है तो गेट के बाहर का उसको रास्ता दिखा दिया जाएगा और यहीं से सियासत तय होती, पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी है, आम जनता भी है। सबसे हम बात करेंगे और सबसे कमेंट लेंगे, सबसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है। मैं उत्कर्ष, ये बताइएगा कि बात करें अगर चुनाव बस आ गया लखनऊ का, अब की बार क्या लगता है, क्या होने वाला है लखनऊ में? जी, अब की बार एक परिवर्तन होने वाला है और उस परिवर्तन का नाम प्रियंका गांधी जी है। इस बार हम लोग प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश की जनता सीएम के रूप में देख रही है। कारण भी है कि वर्तमान समय में देखा जाए तो अगर हम स्टूडेंट्स हैं और बेरोजगारी एक बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मारा जा रहा है, बहुत मतलब हॉस्टल्स में घुस घुस के मारा जा रहा है। और इस मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, छात्र संघ को बैन कर दिया गया है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षक के पद खाली हैं जिन्हें भरा नहीं गया है। तो मैं ये कह रहे मुद्दे हैं जिन पर जनता आपको लगता है कांग्रेस जी हाँ, और प्रियंका गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसका साक्षी है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात की है तो एक लड़की से ही बात करते हैं, आधी आबादी की जब बात होती है। क्या नाम है आप? सदफ तस्नीम। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, एक स्लोगन दिया प्रियंका गांधी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बाकी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के लिए अधिकार की बात करते हैं, आपको क्या लगता है किसकी बात पर जनता विश्वास है? मेरे हिसाब से जनता उनकी बात पर विश्वास करेगी जो सारी लड़कियों की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ वो। जब 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था तो आपको पता है स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियाँ फेंकते हुए मनमोहन सिंह जी पे कहा था कि आप ये पहन लीजिए, वो चूड़ियों को कमजोरी का सूचक मानते हैं। और स्मृति ईरानी जी खामोश थी जब बलरामपुर में, हाथरस में, उन्नाव में लगातार रेपों का जो वारदातों का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्राइम अगेंस्ट वेमेन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, उत्तम प्रदेश बताते हैं योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट एस सी एस टी में। और प्रियंका जी ने कहा है कि लड़कियों को 40% रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने जो लोकसभा अब विधानसभा आगामी 2022 के चुनाव हैं इसमें 40% रिप्रेजेंटेशन की उन्होंने बात की थी और अपना वादा उन्होंने पूरा किया है। आपका नाम? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। क्या करते हैं आप पहले? जी, मैं फाइनल ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से। क्या कहना चाहेंगे, युवा है, एक बड़ा इशू होता है एम्प्लॉयमेंट, ये इन चीज़ों को लेके क्या लगता है इस बार किस पर भरोसा कर रहे हैं? देखिए, जिन पे भरोसा किया था उन्होंने तो कुछ किया नहीं, जाहिर सी बात है। अभी भी इलेक्शन के समय जो युवा वर्ग है वो परेशान है, हताश है, तमाम वैकेंसी निकलती हैं, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी में भी आप अब उसमें भी मारपीट हो रहा है, उसमें भी हॉस्टल में घुस के बर्बरतापूर्वक लाठी। लखनऊ में क्या होने वाला है, क्या लग? जी, लखनऊ में देखिए, जैसा कि युवा यहाँ पे अभी शिक्षक आंदोलन चल रहा है यहीं लखनऊ में, 59,000 भर्ती में भी ओबीसी का इनका घोटाला सामने आ जा रहा है, युवा बहुत हताश और परेशान है। और जिस तरीके से एजुकेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है एनईपी द्वारा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा डिजिटलाइज करा जा रहा है, यही लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल है जो अभी डिजिटलाइजेशन के दौर में सबसे तेज़ जा रहा है। मगर आप बताइए, आप जब इंटरनेट नहीं दे रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है 70% रूरल डेवलपमेंट में और रूरल एक्सेस एरियाज़ में, तो आप किस तर्क पे बात करते हैं यहाँ पर? ये तो पता चल रहा है कांग्रेस से हैं आप। क्या नाम है पहले? प्रिंस प्रकाश नाम है। प्रिंस, एक चीज बताइएगा, चलिश आपको रोकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जनता की राय ठीक है और जो ये बातें हैं वो तो आला कमान तक भी पहुंची होंगी और वो प्रबुद्ध जनों से बातचीत करके अब उनका मन भांपने की कोशिश कर रहे हैं।